स्टूडेंट्स वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस प्रोवाइडेड बाई संत माइकल्स अकेडमी। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच क्लास फिफ्थ मैथ्स। टूडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर फ्रैक्शन। होप यू विल कम्प्लीट योर कॉपी नाइसली टिल चैप्टर फोर विथ एक्सरसाइजेस। सो लेट इस स्टार्ट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन When a whole is divided into equal parts, each part is called fraction of the whole. All the fraction taken together make a whole. ये number ये कितने भाग में divide है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये कितने भाग में divide है? ये pizza है, ये कितने भाग में divided है? 7 भाग में। तो the pizza is divided into 7 parts. Each part is 1/7. Okay. Now विल स्टडी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। हम लोग अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है। फर्स्ट यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। मीन्स कि वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, यूनिट उसका न्यूमरेटर क्या होता है, 1 होता है। तो यूनिट फ्रैक्शन में हम लोग को क्या देखना है कि उसका क्या हो, न्यूमरेटर जो है 1 हो, तो 1/2 या 1/8 या 1/7, ये यूनिट फ्रैक्शन का क्या है एग्जाम्पल है। प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर दैन डेनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि इसका न्यूमरेटर जो है स्मॉलर दैन डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर से उसका न्यूमरेटर क्या हो, स्मॉल हो, छोटा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें हम लोग को क्या शो करना है कि न्यूमरेटर जो है डेनोमिनेटर से छोटा, यानी कि ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलते हैं डेनोमिनेटर। तो ये 2 और 3 ये यानी कि इससे छोटा क्या है न्यूमरेटर, 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, ये क्या हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन उज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी इसमें हम लोग को क्या देखना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका डेनोमिनेटर जो है, इसका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या हो गया, जैसे यहाँ 2/3 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 3/2 होना चाहिए। इम्प्रॉपर में क्या होता है, ये जो है डेनोमिनेटर जो होगा न्यूमरेटर से बड़ा होगा, ये 4/3, ये 3/4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर में, 4/3। फोर मिक्स फ्रैक्शन क्या है, When a improper fraction is retained as whole number and a proper fraction, it is called mixed fraction. Mixed fraction. It means इस number को अगर हम लोग क्या में लिखते हैं, 3/2 है, ये improper fraction है, इसको हम लोग अगर जैसे इसको आप divide करके देखते हो 2/1 या इसको whole में लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2। इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 1 + 1 2 × 1 3 3/2, इसको क्या हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। एग्जांपल लिख लीजिए, इसका 3/4 है तो क्या हो जाएगा 1/1 1/1/3। ओके। 5 लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विथ द सेम डेनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। इट मीन्स जिसका डेनोमिनेटर जो है सेम है, एग्जाम्पल 3/7 6/7 5/7। इट मीन्स इसका डेनोमिनेटर क्या है, ये डेनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। जस्ट अपोजिट अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर जो है वो क्या होगा, फ्रैक्शन में डिफरेंट डेनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। इट मीन्स इसका जो डेनोमिनेटर होगा वो डिफरेंट होगा, लाइक 1/5 1/4/7 5/8। ओके। नेक्स्ट है
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज ए गिवन फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से सेम नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं. एग्जाम्पल, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एग्जाम्पल जैसे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 एंड 2/2. इट मीन्स इसमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से सेम नंबर से क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. 2/2 तो क्या आएगा, 2/4. इसको फिर अगर आगे हम लोग बढ़ाते हैं, 1/3 एंड 2/3, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. ओके चिल्ड्रन, ओके, वी विल डू एक्सरसाइज. नोट डाउन योर होमवर्क, होमवर्क नोट कीजिए. डू एक्सरसाइज 5A इन होमवर्क कॉपी.